नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम बिहार में CDPO परीक्षा की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर। आपको बता दें कि 15 मई को बड़ा ही क्रूशियल समय में इसका परीक्षा लिया गया। 15 मई बड़ा ही विकट परिस्थिति इसलिए थी क्योंकि उससे एक हफ्ता पहले 8 मई को BPSC के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एग्जामिनेशन से पहले क्वेश्चन पेपर लीक कर गया था, जिसके कारण पूरे परीक्षा को रद्द करना पड़ा। 6 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हुए थे उसमें। यह भी बात बता दें आपको कि जो 15 मई को परीक्षा हुई वो लगभग 5-6 डेट बदलने के बाद आयोग ने 15 मई को परीक्षा लिया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अभी लगभग 4 महीने होने जा रहे हैं और इसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। 55 सीटों के लिए परीक्षा हुई थी, PT परीक्षा थी, इसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होगा। लेकिन छात्र लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर इसका रिजल्ट कब दिया जाएगा, क्या कारण है कि आयोग CDPO परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं कर रही। हालांकि बातें तो बहुत सारी निकल के आ रही है, कितनी सच्चाई है ये हम भी नहीं जानते, लेकिन बातें ये निकल के आ रही है, जैसा कि छात्र नेता दिलीप कहते हैं, वीडियो में भी कह चुके हैं, कि कुछ पेच फंसा हुआ है और ये पेच जो है भ्रष्टाचार को लेके फंसा हुआ है। अब इसमें क्या रियलिटी है छात्र ही जाने। हालांकि दिलीप का भी कहना है कि उनके पास छात्रों से ही इनपुट आया है, कितनी सच्चाई है वो भी नहीं बता सकते हैं। उनका कहना है कि कट ऑफ इतना ज्यादा जा चुका है कि उसको मैनेज किया जा रहा है। अब असलियत जो भी हो, लेकिन देरी होने के कारण अफवाहें उड़ रही हैं। और BPSC आपको बताएं कि विवादों में है ही, अभी ही देख लें, परिवर्तन किया गया PT के स्वरूप में, जिसको लेकर 31 अगस्त को छात्र बड़ी संख्या में पटना की सड़कों पर उतर गए, लाठियां चली, थाने में रखा गया छात्रों छात्राओं को, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ और मुख्यमंत्री के स्तर पर इसमें सुधार करना पड़ा और पहले की तरह परीक्षा व्यवस्था को लागू करना पड़ा। उसके बाद डेट को लेकर फिर से विवाद उत्पन्न हो गया। 21 सितंबर को PT परीक्षा रख दिया गया और UPSC का एग्जाम था मेंस का, उस गैप के बीच में रख दिया गया, जिसको लेकर भी छात्रों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और अंततः उसका भी डेट बदल के 30 सितंबर किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में बहुत बड़ी संख्या में छात्र CDPO का भी एग्जाम दिए हुए हैं और उनका कहना है कि आखिर हमारा रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, क्यों इतनी देरी हो रही है। अमूमन BPSC कोई भी PT परीक्षा, इवन की सिविल सेवा की परीक्षा भी लेता है तो 3 से 4 महीनों में रिजल्ट दे देता है। लेकिन 55 सीटों पर होने वाली CDPO परीक्षा को लेकर इतनी देरी क्यों की जा रही है और देरी के कारण तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही है, अफवाह भी हो सकते हैं, रियलिटी क्या है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द CDPO परीक्षा का रिजल्ट जारी करना चाहिए। छात्र इंतजार कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि परीक्षा 1 साल के अंदर में खत्म हो जाए और यहाँ पर 1 साल पहले, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, इसका नोटिफिकेशन आया हुआ, अभी तक PT का रिजल्ट नहीं आया है। तो गुजारिश है आयोग से कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए ताकि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो अगले फेज के लिए अपने आप को तैयार करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।